तापमान कमजोर कर दूंगा, कल से तापमान कमजोर का धारा रहेगा। अभी हमारे साथ आप लोग जिस बाबा को देख रहे थे, बहुत ही ज्ञानी बाबा है, और यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आ रहे तो तापमान ज्यादा है। तो बाबा जी, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई वो बाबा आपको पूरा बता देंगे, और बाबा का जाने के बाद आप पूरा चीज बताइएगा। आप शास्त्री जी, मतलब आपका शास्त्री जी वेट करते कि आप शास्त्री जी का वेट करते? वो ऐसा कोई वचन नहीं होता, समाज और मंजिल। देखिए शास्त्री महाराज कैसे बता देते किसी को, बेगर जाने बेगर संपर्क किए आपके पूरा बायोडाटा बता देते, कैसे बता देते, कैसे कर लेते हैं? अच्छा, तो इसका वृत्तांत मैं फिर सामने पहले पता चल गया। मैं तेरथ पाली में हूँ, जहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे कथा करने के लिए। तो हम लोग जो है पूरा भव्य जो बन रहा है पंडाल, कितनी दूरियां बन रहे हैं, हम लोग पूरा जा करके दिखाए हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है जिनका जो है विशाल एक रूप है और बहुत पुराना मंदिर, इस मंदिर में भी जाएंगे और मंदिर का क्या कुछ है बताएंगे आप लोग अंदर जाके। उससे पहले गेट पे हमें एक बाबा मिल गए, चलिए हम बाबा से विशेष जानकारी लेते हैं इस जगह के बारे में, क्या कुछ बाबा बताएंगे इस जगह के बारे में। अच्छा, तो इस जगह और धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, क्या आप करते स्वागत करते हैं बाबा को? अच्छा, तो कहा गया है ये फील्ड जो होते हैं पहलवानों की होती है और जो है वीरताइया की होती है। तो हे मनुष्य मानो, जैसे त्रेता युग में जो जब धनुष बाण जो जैसे सीता जी का जो है ये शादी ब्याह की जी रचना की थी, तो उसमें एक तत्व रखा गया था कि जो धनुष तोड़ेंगे उन्हीं को जो साथ जो सीता स्वयंवर होगा। तो इस कलयुग युग में यहाँ पर भी जैसे धारा एक लग पा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो लोगों की भविष्यवाणियाँ दे रहे हैं इस कलयुग युग में। तो मैं इस वर्णनों को सुनते आए हैं कई दिनों से, लोग यहाँ वहाँ चर्चित कर रहे हैं, जगह जगह पर दो चार पाँच हैं तो वहाँ चर्चित हो रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं कि लोगों की भविष्यवाणियाँ बता रहे हैं। हमें इतना ही सुनने में आया है कि लोग को मन की बात बता रहे हैं। हम बाबा जो पर्चा उठाते हैं, जो लोग को बुलाएंगे, जो लोग जितने लोग देखने जाते हैं उनको एक को कोई बुलाएंगे, बाबा नहीं बुलाते हैं, कोई दूसरा ही उनको बुलाता है। और जो पांच छह पर्ची वहां पे रहता है, जो पर्ची उठा लेता है उन्हीं का पर्ची हो रहता है। अच्छा, तो कहने के उद्देश्य है, कई दिन बानियाँ सुने हैं कि जो है से जो लोग जिनकी मन की बातें हैं भावना जो बातों को जानकर उनका संपूर्ण बात बताने पा रहे हैं। तो हमने इस बात को सुनते सुनते में मुझे भी रहा नहीं गया है, तो मैं जो है ये दानापुर दियारा क्षेत्र में रहते हैं मानस के धरती पर। जब आप बाबा है, आपको आप तो ज्ञानी बाबा है, आपको सब कुछ पता, सब कुछ आप करते हैं, तो आप बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कैसे बता देते किसी को, बेगर जाने बेगर संपर्क किए आपके पूरा बायोडाटा बता देते, कैसे बता देते, कैसे कर लेते हैं? अच्छा, तो इसका वृत्तांत मैं फिर सामने पहले पता चल गया, लोग उपस्थित कराएंगे जहाँ पर वो कैसे बता रहे हैं, तो फिर मैं संपूर्ण रूप से नहीं जान पाया हूं। लेकिन इसके जानने के लिए मैं जो है ये अंदर के क्या है उसको जानकर फिर मनुष्य में भेद मैं दूंगा। अच्छा। लेकिन ऐतिहासिक जो है, पता नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ऐतिहासिक कभी नहीं छुप सकता है, नहीं छुपा है, नहीं छुपने पाएगा। जो सत्यवादी जो होते हैं, सत्य कभी भी जो है अधूरा नहीं जाता है, सत्य का विजय अवश्य होता है। इसलिए लोग जो पक्षपाती वर्णन कोई भी जो नेता, हाँ बाबा क्यों इतना सलो है, अभी तक आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में नहीं सर्च मारे हैं? मतलब धीरेन्द्र शास्त्री इतना फेमस है पूरा दुनिया में जो विख्यात है, वचन तो हो रहा है, मैं भी आया हूँ लोग हाँ। जैसे इस वचन को सुनकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, तो एक दिन तेरा को सभा आपका कथा होगा तो लोग मुझको भी चाहेगा, तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री के अगर उनका विलम्ब होगा उस समय मैं भी देना चाहूंगा। अगर मीडिया वाले चाहेंगे मुझसे भी वर्णन लेने का तो मैं उपस्थित हो सकता हूँ। अगर आप लोग मीडिया वाले चाहेंगे तो मैं कुछ वर्णन दूंगा, नहीं तो मेरा समय नहीं मिलेगा तो फिर मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं जो सारे संसार को संपन्न मैं ही चलाता हूँ, कल्याण पृथ्वी लोग पर उपस्थित हूँ, बिहार के संसार को आप चलाते हैं, कल्याणकारी वर्षा जल। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपको जानकारी है कितना दिन से? आप उसे भविष्यवाणियां कर रहे हैं, सुनिए शरीर का एक दिन से आप जानते हैं, आप बताइए ना। अभी मैं थोड़ा दिन से सुन रहा हूँ, कितना दिन, करीबन हम 20-25 दिन से क्या बाबा के बारे में जानकारी है? क्या माइंड रीडिंग करते हैं कि सचमुच करते हैं बाबा? हम कुछ लोग कहते हैं कि माइंड रीडिंग करते हैं बाबा, है ना? आपके क्षेत्र साया में सब कुछ है, तो भगवान जैसे धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं कि हमारे ऊपर भी भगवान का कृपा है। अच्छा, हाँ वो तो अवश्य अवश्य है। और आप कहते हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं। तो ये हाँ यहाँ का बिहार का हनुमान जी, बिहार के संसार का, फिर बात करें इंडिया का, फिर नहीं तो सारे संसार के लिए मैं वर्णन करता हूँ, सारे संसार के बचाने के कार्य मैं करता। सारे शास्त्री जी से आप मिलने आए हैं कि आपसे शास्त्री जी मिलने? वैसा तो कोई वर्णन नहीं होता, कोई बात नहीं होता, सभा में सब कोई आता। सुनिए, सभा जब लग रहा है तो बड़े बड़े लोग आएंगे, अपना लोग जो अपना अपना जो से आप शास्त्री जी, मतलब आपका शास्त्री जी वेट करते कि आप शास्त्री जी का वेट करते? वैसा कोई वचन नहीं होता, सभा जो मंजिल। देखिए एक राजधानी है, सुनिए,
जब पूरा ब्रह्मांड को आप चलाते हैं तो आप यहाँ पे क्यों हैं इस बाबा को देखने? आपको तो पहले से जानकारी होगा, आप इस बाबा को देखने, आप तो ये बाबा तो आपके नजर में छोटे मोटे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले तो आपके नजर में छोटे मोटे बाबा हो सकते हैं। राजा और महाराजा की वर्णन एक सभा होता, सबको वचन माने जाता, क्या धर्म धर्म का फैसला सबके बीच में है। तो मैं भी इसी उसी भावना से उपस्थित हो रहा हूँ। पूरे संसार को जानते हैं तो धर्म इसमें क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है तो क्या है? आप पूरे संसार को ध्यानते आपके नजर में पूरे संसार, हाँ सब एकता धारा में रहेंगे, समय व्यतीत वैसे करेंगे, ऐसा वरना नहीं रहेगा कि भेद का भावना, भेद भावना कहीं से नहीं चल पाए। मेरा उद्देश्य यही है, मैं एक ही जाति जानता हूँ, नर और नारी, हमें उस भेदभाव बांटने का कोई तत्व नहीं है। भगा दिया। और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई वो बाबा आपको पूरा बता देंगे? और बाबा का जाने के बाद आप पूरा चीज बताइएगा कि क्या? नहीं नहीं, वृतांत सब कोई बताएगा, सब कोई अपना कल्याण करेगा। मैं मुझे भी समय मिलेगा तो मैं भी कल्याण की कुछ बताऊंगा। ऐसा तो कोई बात नहीं होता, मैं वैसा कोई वर्णन नहीं बताने आया, सब कोई के लिए शांति का सौरभ वो देने आ रहे हैं। यहाँ लाखों आदमी आने वाले हैं, काफी ज्यादा धूप है, इसको कम कर सकते हैं। अच्छा, तापमान कम राहत मिले। हाँ हाँ हाँ, तापमान मैं तापमान जो है कमजोर कर दूंगा, ताकि जो है से मनुष्य में जो है से खून नहीं जल पाएंगे। इसलिए आपको जैसे जैसे खेती में जो जल सोख लेते हैं न करेंगे, कल से हम चाहने चाह रहे हैं। कल से आप चालू कीजिएगा, तापमान कमजोर कर दूंगा, कल से हम तापमान कमजोर का धारा रहेगा। अभी हमारे साथ आप लोग जिस बाबा को देख रहे थे, बहुत ही ज्ञानी बाबा है, और यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आ रहे हैं, तो तापमान ज्यादा है तो बाबा जी कम करेंगे, और जितने भी कोरोना है पूरा ब्रह्मांड को जो है बाबा ही चलाते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताए। पूरा ब्रह्मांड में कुछ भी होता था रोकने के कार्य, आप ही कराते हैं, सब कुछ आप ही कराते हैं, प्रलय को रोकते हैं, आप ही रोकते हैं। देश में बांटा गया क्या चीज़? संसार को कितना देश में बांटा बच्चा, ये सब वर्णन। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।